भैया गाड़ी बनके कंप्लीट है अभी है शोरूम वर्कशॉप पे। गया तो भाई दिल्ली कमाने के लिए, 3,000 रुपए तो एनसीडी वाले को दिया है एक महीने के लिए। अब इससे पूछते हैं वापस जाएगा कि नहीं जाएगा, अर्निंग अच्छी हो रही होगी तो जाएगा अभी। हाजी की डेट जो है KTL प्राइवेट लिमिटेड बॉडी रिपेयरिंग 63,100। ये देखो दो राइड किए ये भाई अमरूद ले जाते हुए, अपना विशाल भाई गाड़ी भी चलाता है। ये देखो गाड़ी में अमरूद भी रखते हुए हैं, पूरी क्रेट ही अमरूद की है। ये देखो सब इसी में है, गाड़ी को बना रखा है भाई लोडर, इस पे अमरूद ढो रहा है। हमने भी अपने खाने के लिए देखो 3-4 अमरूद निकाल लिए। देखो लाल गुदी वाला है, आराम से बैठे हुए हैं। ये कुछ हमने पेपर वगैरह रखा हुआ है, ये मोबाइल रखा हुआ है, और इस समय हम कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन के पास में खड़े हैं। देखो ये रहा नजारा, यहीं पे लगती है बाजार, बाजार में डालने आया, रखने आया अमरूद। राम राम मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो, आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। और ये दिन आ गए गाड़ियों के, देखो लोग धक्का दे रहे हैं नई नई गाड़ियों में, देखो क्या यार बेइज्जती करा है यार। राजकुमार गाड़ी डाल भाई, लाख का चाबी भांग जगह जगह पीना, गाड़ी रखी है कहाँ है। ये विशाल भैया भंडारा करवा रहा है, और प्रशांत भैया अपने आ चुके हैं। अब बेड़ा बेड़ा लगा दियो, मतलब दूसरा कोई ना आ पाए ना जा पाए, जो आए वहीं खड़ा हो जाए। देख लो भाई काम इस समय कम, एक गाड़ी दो गाड़ी तीन गाड़ी चार गाड़ी पांच गाड़ी, और पंडित जी की पांच गाड़ी इधर है। पंडित जी गाड़ी अब पता नहीं कहाँ खड़ी कराए हैं, वो खड़ी है छह गाड़ी, मतलब 6-7 गाड़ियां यहाँ पे खड़ी, किसी के पास कोई काम नहीं है। काम मतलब डाउन है त्योहार की वजह से, अब आज कल तो काम डाउन रहेगा ही। होली खेले रंग, अरे होली तो कल है यार, आज तो होली जलेगी। अबे तेरे पे चढ़ेगा नहीं भाई रंग, तू क्यों डर रहा है, पक्का कलर है। और क्या यार, हम लोग को नहीं डरना चाहिए जो गोरा होए, हम गोरे हैं देखो। अच्छा तो आप गोरे लग रहे हो देखो, अरे वाह गुरु, जो गोरा होए वो डरे, जैसे भाई प्रशांत भाई हैं, इनके में कोई हरा रंग लगा दे तो इनको समझ में आएगा। तो प्रशांत आज यहाँ कैसे यार, अरे तुम्हारा खुल जाएगा, तुम टेंशन ना लो। नहीं एक हफ्ते वाला मैसेज आया है, तीन हजार वाली पर्ची लगाए दिखायो, ये 3,000 वाली पर्ची। अरे भैया ये देखो 3,000 की पर्ची लगा के आया भाई, एनसीडी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं एनसीडी बोलते हैं, एनसीडी क्या है भाई, एक महीने की होती ना ये भाई, एक महीने बंदा गया था, हालांकि कानपुर की गाड़ी है, गया था दिल्ली चलाने भाई, 2.5 लाख बचे। नहीं यार कहाँ कमा पाया है, मजाक ना करो समझे, गया था भाई दिल्ली कमाने के लिए, 3,000 रुपए तो एनसीडी वाले को दिया है एक महीने के लिए। अब इससे पूछते हैं वापस जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि भाई अपने घर तो त्योहार मनाने आया होगा, हो सकता है जाए भी, अर्निंग अच्छी हो रही होगी तो जाएगा भी। अच्छा भाई बताओ क्या वापस जाओगे दिल्ली, कितने दिन वहाँ रहे हो, 18 दिन में कितने बचा के लाए रुपए खाए पिए सब हटा के, कुछ नहीं बचा। तो भैया 18 दिन रहे, कह रहे बचे नहीं क्योंकि 3,000 रुपए तो यही ले लिए, और उसके बाद जाने में आने में अच्छा भाड़ा कम है, जो हम लोग 10 किलोमीटर मतलब 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से वहाँ। अच्छा अच्छा तो भाई बोल रहा दिल्ली से जाने से अच्छा लोकल में ही चलाएंगे, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, बता रहा भाई अपने यहाँ 10 किलोमीटर का 150 मिल जाता है, 130-150 इससे ऊपर नहीं, उसमें से भी काटते हैं। अच्छा रूम लिया था कोई जान पहचान का था वहाँ, कई लोग हैं। अच्छा कई लोग हैं जान पहचान के, चलो वैसे हमारे यहाँ का दिल्ली रहता है एक लड़का अनिल, वो भी आ गया वापस त्योहार मनाने के लिए। CNG 20 रूम नहीं तो है, झूठ मत बोल, 70-80 वहाँ भी होगी, CNG है एवरेज देती है, आई जी एल हल्की होती है, एवरेज कम देती है, अपने समझ ले बेटा। नहीं 300 तो अपनी डीआर नहीं जा पाती यार, हम हमारी नहीं जा पाती है, भैया गाड़ी बनके कंप्लीट अभी है शोरूम वर्कशॉप पे। देखो भैया गाड़ी बनते ही देखो, ये देखो बुकिंग आ रही है, लेकिन फर्जी हमें लग रहा है,
एक्सेप्ट कर ली है, पुष्पा सिंह है ही कोई, और भाई जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल 96 किलोमीटर। चलो देखते हैं भाई इनका क्या हो सकता है। और फिलहाल भाई अपनी गाड़ी बन के देखो आ चुकी है मस्त सी, आपको गाड़ी दिखाते हैं भाई, मज़ा आ जाएगा देख के। और क्या क्या पड़ा है, कैसी बनी है, आप लोग बताइएगा इसमें से हमने क्या क्या करवाया है वो अभी आपको हम बताते हैं भाई। पहले हम चारों बगल का आपको व्यू दिखा दे अपनी गाड़ी का, ये कुछ है भाई ज़बरदस्त थी। अब आगे बता दे आगे का भाई बम्पर, इसको बम्पर बोलते हैं, ये चेंज है और पेंट है, ये वही पुराना लगा हुआ है, इसको डेंट करके पेंट कर दिया गया है भाई। और भाई ये पैनल नया पड़ा हुआ है और इसको भी नया पड़ने के साथ साथ पेंट किया है, ये गेट अपना नया पड़ा हुआ है इसको भी पेंट किया है, ये इसको पेंट किया है अपना पुराना, ये डोर हैंडल हमने पेंट कराए हैं भाई, ये भी गेट नया है और इसको पेंट किया गया है, डेंट नहीं किया गया, दोनों गेट नए हैं और ये हैंडल भी पेंट कराया है भाई। ये पीस जो है ये नया पड़ना था, पूरा आता है भाई वो आगे तक ये पूरा पैनल, लेकिन इसको आने में एक हफ्ते लगते तो हमने कहा चलो इसी को रिपेयर कर दो, वो जब आए तो अपने हिसाब से रख लीजिएगा। ये लाइट भी भाई नई है, ये जो है बम्पर भी नया हुआ है, नया पड़ा हुआ है और पेंट हुआ है। तो आप लोग बताइएगा कि गाड़ी हमारी कैसी बनी है और कितने का खर्चा आया होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो चारों बगल से, हम आपको दिखा दें जो कि हमारा जो कंपनी की तरफ से बिल बना है वो आपको हम दिखा दें। कंपनी का बिल तो जो है बहुत ज़्यादा बना हुआ है, लेकिन हमको सिर्फ फाइल चार्ज और स्कूल वगैरह देने पड़े हैं। ये देखो भाई, ठीक है, आज की डेट है, देखो ये जॉब कार्ड नंबर है और ये कुछ बिल है भाई। चले आओ, लास्ट में हमको 1213 रुपये पेमेंट करने थे, लेकिन हमने 1500 दिए थे, उन्होंने 1200 रुपये काट के 300 रुपये हमें वापस कर दिए थे, कुल मिला के 1200 रुपये काम हुआ है, जो कि फाइल चार्ज जो है हमारा होता है, ये फाइल चार्ज ये लिखा हुआ है पॉलिसी 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपये फाइल चार्ज है। और ये छोटे छोटे जो लगे हुए हैं भाई, ये अपना जो है टैक्स वगैरह लगा के GST वगैरह इतना बना दिया है, और बकायदा जो छोटे छोटे स्क्रू वगैरह होते हैं उसका पैसा कंपनी ऐड करती है, बीमा नहीं देती है भाई, इसलिए हमको 1200 रुपये पेमेंट करने पड़े हैं। तो देख सकते हो भाई गाड़ी का लुक हमारा, अब तो खैर गाड़ी देखने लायक बन गई होगी, देख सकते हो आप लोग। ये लाइट भाई नई है और ये वाली लाइट पुरानी है, हेडलाइट ऐसे ही पीछे का है भाई, एक लाइट पीछे की भी पुरानी है और एक नई है, आपको दिखाते चले भाई। नई वाली लाइट ये है और पुरानी वाली ये है, कुल मिला के लेफ्ट हैंड का सब कुछ नया पड़ा हुआ है, पीछे का बम्पर है, पीछे की लाइट है, एक क्वार्टर पैनल है, गेट है, वो आगे वाला गेट है, आगे वाला क्वार्टर पैनल है, आगे की लाइट है और आगे का बम्पर है, इतनी चीज़ें नई पड़ी हुई हैं। बकाया ये डोर हैंडल वगैरह हमारे पुराने हैं भाई, इसमें हमने करवाए हैं पेंट, और साइड मिरर में भी करवाया है पेंट। तो गाड़ी कुछ अब भाई देखने लायक मस्त ज़बरदस्त एकदम बन गई है, अब मज़ा आएगा भाई चलाने में गाड़ी का, ठीक है ना। ये गेट वगैरह हमने नया डलवाया था, तो ये हमारे राजेश को ज़रूरत थी, तो ये गेट वर्कशॉप से उठा लाएँ, इसको डेंट करा के उसकी गाड़ी में यूज हो जाएगा, क्योंकि उसकी गाड़ी का गेट बहुत ज़्यादा डैमेज है। तो भैया इस समय हम लखनऊ में हैं, ये लुलू मॉल के पास में, ये रिश्ता डेवलपमेंट अपार्टमेंट करके कोई है, यहीं पे आके मैं खड़ा हूँ, सईद पथ से एकदम बगल में और लुलू मॉल के पीछे। अभी ओला की राइड थी, वहाँ क्या हुआ, हमें गाड़ी मिली, गाड़ी मिलने के बाद तुरंत ही बुकिंग आ गई थी, तो मैं लेके चला आया। जो हमें फेयर मिला है वो भाई 1288 रुपये, कुछ कम नहीं तो 1300 रुपये। अब बज रहा भाई 6:31 और यहाँ पे हम आके खड़े हैं भाई, और आपको दिखा दे कि हमें जो है जो बिल बना था वो तो हमने आपको दिखा दिया, 1200 रुपये हमने पे किए हैं, और बकाया मारुति की तरफ से जो इन्होंने क्लेम किया है कंपनी पे बीमा पे भाई, ये कोई बुकिंग आ रही है गोपालपुर, पहले इसको देख लेते हैं। अब देखते हैं गोपालपुर पड़ता कहाँ यार, ये भाई कानपुर की हो तो ज़्यादा बेस्ट है यार, और कहीं की होएगी तो दिक्कत हो जाएगी। 118 किलोमीटर, चलो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ पड़ता है ये भाई। 118 किलोमीटर का 3516 रुपये दिखा रहा है,
चलो कोई नहीं, देखते हैं अगर बुकिंग जेन्युइन होगी भाई तो इसको हम ले जाएंगे। बुकिंग है भाई, पिकअप है 7 बजे का, 6:30 बज रहा है। ये सुनैना श्रीवास्तव जी हैं, गोपालपुर फैजाबाद उत्तर प्रदेश, फैजाबाद की है भाई ये बुकिंग। चलो कोई नहीं, देखते हैं भाई, अगर चाहेंगे तो इनको हम ज़रूर ले जाएंगे, और नहीं तो भाई कोई बात ही नहीं, जैसा भी होता है बताते हैं आपको। ठीक है भाइयों, देखते हैं भाई, दूरी तो 18 किलोमीटर दिखा रहा है, पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो भैया इस अपार्टमेंट की ये भैया होलिका लगी हुई है, आपको दिखा दें, ये देखो अभी ये जो है, जब भी इनका टाइम होएगा तो पंडित जी आएंगे इनको आग लगाने के लिए, 7-8 बजे जो भी इसका टाइम होगा, फिलहाल देखा जाएगा। तो भैया बता दें, वो बुकिंग तो हो चुकी है कैंसिल, आप लोगों को दिखाते यार हालत ख़राब हो गई। वो बुकिंग वैसे अगर जेन्युइन होती तो मैं जाता भी, लेकिन वो दिखा रहा था इधर क्या कहते हैं अपना अयोध्या का एड्रेस था, तो हमने चलो कोई बात नहीं चले जाएंगे भाई, वही 1288 का ऑपरेटर लिए, वो आराम से अपार्टमेंट भाई, ये होटल कोई बड़ा बना हुआ है दमसोन, ठीक है करके कोई होटल है। और ये रही भाई अपनी धन्नो, कुल मिला के मस्त ज़बरदस्त जिस तरीके बनाया है भाई, काम देख के मज़ा आ गया, तो कुल मिला के अब चलाने भी भाई मन लगेगा। आप लोग दिखाते हैं इन्होंने जो कंपनी पे जो क्लेम किया है बीमा कंपनी से, इन्होंने कितने पैसे लिए हैं आपको हम दिखाते हैं भाई, सर्विस हिस्ट्री में जाके। ये भाई देखो 24 मार्च 2024, आज ही की डेट लो है, KTL प्राइवेट लिमिटेड, बॉडी रिपेयरिंग 63,153, ठीक है बॉडी रिपेयरिंग का, इनवाइस अमाउंट 52,700। और पेमेंट के डिटेल में जाते हैं भाई, तो टोटल अमाउंट कुल मिला के इतना ही है, पार्ट्स 23,330 के डाले हैं, लेबर का लगाया 29,426, मतलब 52,456 रुपये इन्होंने कुल मिला के बिल इनका पास हुआ है, 63,153 रुपये का बिल बनाया था टोटल, और इसमें पास बीमा कंपनी ने हमारे 52,756 रुपये इनको पे कर दिए हैं। तो कुल मिला के गाड़ी हमारी भाई मिल चुकी है, ये सर्विस रिकॉर्ड है मारुति का जो है ऐप आता है, मारुति सुजुकी का जो नंबर रजिस्टर्ड हो उस नंबर से आप लॉगिन कर सकते हो भाई, जो भाई भी अपने मारुति की गाड़ी जिनके जिनके पास है सारे के सारे ही लोग। अब हम करेंगे यहीं पर खड़े होकर वेट, 6:30 बज रहा है, देखते हैं भाई कितनी देर के बाद हमको बुकिंग मिलती है यहाँ से कानपुर जाने के लिए, क्योंकि आज भाई त्यौहार, और कल सबको एडवांस में चलो सभी भाइयों को हैप्पी होली, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं व्यूअर भाई हैं सबको एडवांस में, होली तो कल है बल्कि रात से ही शुरू हो जाएगी, तो भाई जो भी हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा उन तक वीडियो सबसे पहले पहुँचे, और भाई कमेंट वगैरह भी किया करें, लाइक वगैरह भी किया करें। तो ठीक है अब चलते सीधा गाड़ी के पास और करेंगे यहीं पर खड़े होकर भैया वेट, या फिर एयरपोर्ट भाग जाएंगे। गाड़ी तो भाई देखते बन रही है, मज़ा आ जाता है यार देख के, क्योंकि पहले जो गाड़ी थी ना थोड़ी बहुत डैमेज थी तो मज़ा नहीं आता था चलाने में, अब देखो भाई क्या ही ज़बरदस्त लग रही है। तो कुल मिला के कोई बुकिंग यहाँ से आएगी तो भाई आप लोगों को अपडेट ज़रूर बताएंगे, तो बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ओके मिलते हैं फिर कुछ देर के बाद। तो भैया वापस आ गए कानपुर, और इनको छोड़ा है शास्त्री चौक के आसपास बर्रा के पास, अभी देखो लोकल की बुकिंग आ रही है, लेकिन घर की साइड की होगी तो भाई लेंगे, क्योंकि त्यौहार का टाइम है, अब सीधा घर जाना चाहते हैं। ये देखो दो राइड की है 2648 रुपये, ठीक है 2648 रुपये, इसकी मैं डिटेल आपको दिखाता हूँ, 2648 रुपये में और 648 रुपये खर्चे में डाल देंगे भाई, आज 2000 रुपये बचा के ले जाएंगे, देखो जो रिफंड दिखा रहा है 180 रुपये, एक बार गए 90 रुपये जाने का टोल, 90 रुपये आने का टोल, ठीक है 180 रुपये टोल का है, बकाया 2647 रुपये, ये हमारा जो है ऑपरेटर है, 647 रुपये हम निकाल देते हैं जो कि CNG का, और 2000 रुपये रखेंगे आज के लिए बचत के लिए। कुल मिला के आज का दिन हमारा सही रहा, अब आपको दिखा दें, 0 हमने किया था रीडिंग भाई, 209 किलोमीटर चली है, अभी 10-20 किलोमीटर और चल जाएगी, तो कोई बात नहीं आज भाई खर्चा कम निकाल रहे हैं, क्योंकि जो है कभी कभी खर्चा हम ज़्यादा निकाल लेते हैं, आज ही गाड़ी उठाई है भाई वर्कशॉप से, गाड़ी कंप्लीट होके मिली है आज ही,
और जैसे बुकिंग आई थी पहली ट्रिप हमने मार दी, घर में 2000 रुपये बचत के देंगे जाके सही रहेगा भाई, वैसे तो 1500 ही निकालते, लेकिन आज पहला दिन है इसलिए त्यौहार का दिन है, पहला दिन है और त्यौहार का दिन है इसलिए हम 2000 रुपये देंगे जाके बचत के, आज खर्चे में कम निकालेंगे। तो ठीक है भाइयों, अब समय हो चला है भाई 9:17, घर जाने का टाइम हो गया क्योंकि त्यौहार का टाइम आप लोगों को बता ही चुके हैं, सबको पता ही होगा। तो कल का ब्लॉग रहेगा धमाकेदार हैप्पी होली वाला। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभरात्रि, व्यस्त रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।